Hello，Hello。कल क्या हो गया? कल कितना क्या क्या हुआ? हाँ स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ बताओ, कौन क्या बता रहा है, क्या क्या हुआ है? सेलेक्टर्स देखे अपन ने, सीएसएस सेलेक्टर्स देखे, कौन कौन से सेलेक्टर्स देखे। चार मेन सेलेक्टर्स देखे अपन ने। हाँ, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। हाँ, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और यूनिवर्सल सेलेक्टर। जो के कैसे करते हैं अपन, आईडी सेलेक्टर को कैसे यूज करते हैं? बराबर। तो पहले तो सेलेक्टर कैसे लिखते हैं, हैश, आईडी सेलेक्टर हैश से चालू करते हैं, नाम देते कोई भी एक और कर्ली ब्रैकेट में उसकी जो भी प्रॉपर्टीज सीएसएस की लगानी की है वो देते, और उसको अपने एलिमेंट के अंदर यूनिकली उसको कॉल करते। मतलब जो भी एलिमेंट को उसको लगाना है वहां पे आईडी लिखते और ये जो सेलेक्टर का नाम अपन ने लिया हुआ है वो उसको देते हैं। बराबर। आईडी एंड
और क्लास सेलेक्टर किससे डिनोट करते हैं हम डॉट लोग? से। क्लास सेलेक्टर डॉट से डिनोट करते हैं, मतलब डॉट और क्लास का नेम और फिर बाद में कर्ली ब्रैकेट एंड देन उसके अंदर हम लोग जो भी प्रॉपर्टी डालना है वो और उसको यूज कैसे करते, कॉल कहाँ से करते, जो भी एलिमेंट पे एज अ एट्रीब्यूट कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते, क्लास एट्रीब्यूट यूज करके जो भी अपन ने क्लास बनाया है वो क्लास का नाम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को देते जिस एलिमेंट को हम लोगों को वो क्लास लगानी है। क्लास हम लोग 2 से 3 एलिमेंट को लगा सकते हैं और सीएसएस में मोस्टली हम लोग क्लासेस को लिखते हैं बराबर। और कितने टाइप के स्टाइल्स किस किस तरह लगा सकते हैं हम लोग, वो तो किसको भी लगा सकते हैं ना, वो तो कोई भी एचटीएमएल एलिमेंट को लगा सकते हैं। 3 टाइप के तरीके कौन कौन से हैं स्टाइल लगाने के? एक तो इनलाइन स्टाइल, इनलाइन बोले तो एलिमेंट, जो भी एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है उसको क्या करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं और स्टाइल एट्रीब्यूट के बाद उसके डायरेक्टली डबल कोट्स के अंदर हम लोग स्टाइल देना चालू कर देते हैं, तो वो उसको क्या बोलेंगे, उसको इनलाइन स्टाइल बोलेंगे। और दूसरा तरीका स्टाइल लगाने का कौन सा है, इंटरनल है। इंटरनल के लिए क्या करते हैं अपन, इंटरनल के लिए क्या करते हैं, इंटरनल स्टाइल लगाना है मेरे को तो क्या करूंगा मैं, एलिमेंट्स के अंदर इंटरनल। इनलाइन किसको बोलेंगे, एलिमेंट बोले तो क्या, एचटीएमएल एलिमेंट बोले तो क्या। हाँ हाँ पूरा पूरा पी टैग, स्टार्टिंग टैग फिर कंटेंट फिर एंडिंग टैग, ये पूरा जो है वो क्या होगा, एलिमेंट हो गया। तो स्टार्ट टैग के अंदर अगर अपन ने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखे, स्टार्ट टैग के अंदर अगर अपन ने स्टाइल एट्रीब्यूट लिखे और उसको स्टाइलिंग लगाए तो वो क्या हो जाएंगी, वो इनलाइन हो जाएंगी। और फिर इंटरनल स्टाइल, हाँ इंटरनल कैसे करेंगे, इनसाइड हेड टैग, ऊपर का जो हेड टैग है तुम्हारा जहां पे तुम लोग टाइटल वगैरह लिखते हैं वहां पे क्या करते हैं तुम लोग, स्टाइल टैग यूज करते, एट्रीब्यूट यूज नहीं करते, क्या यूज करते, टैग यूज करते, स्टाइल टैग यूज करते, स्टाइल टैग यूज करते। और वो स्टाइल टैग के अंदर हम लोग क्या करते, वी एड द सीएसएस। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट, एक्सटर्नल स्टाइल्स कैसे अप्लाई करते, एक्सटर्नल एलिमेंट्स नहीं बोलते रहे उसको, सेलेक्टर्स और उसके प्रॉपर्टीज या फिर सीएसएस डाल के एलिमेंट किसको बोलेंगे। हाँ तो एक अलग सीएसएस फाइल बनाएंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल, वो सीएसएस फाइल में हम लोग अपने पूरे क्लास बनाएंगे, आईडी सेलेक्टर्स बनाएंगे, क्लास सेलेक्टर बनाएंगे, एलिमेंट सेलेक्टर डाले जो भी डाल रहे हो तुम, वो सब बनाएंगे हम लोग। एक डॉट सीएसएस फाइल अलग से बनाएंगे और उसको अपने HTML में अपन क्या करेंगे, लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए क्या सिंटैक्स है, हाँ यूजिंग एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल लिंक, एक्सटर्नल सीएसएस को हम लोग लिंक टैग यूज करते हैं। लिंक टैग के एट्रीब्यूट कौन कौन से है, एचरेफ एक है, एचरेफ से हम लोग वो जो भी अपन ने नई सीएसएस फाइल ली है उसका पार्ट, हाँ। और दूसरा है रिलेशन, REL, REL एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप एट्रीब्यूट, जिसके अंदर अपन स्टाइल देते हैं वो रिलेशनशिप देते हैं, HREF एंड रिलेशन REL। ओके सही। तो हाँ अभी तो यहां तक हम लोग ने कर लिया था, अभी तक जितना हुआ किसी को कोई डाउट, सबने प्रैक्टिस करे। तो अपन ने कल जो किया था मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना, तो अपन ने जो कल किया था ये उसको उधर रख दे रहे, या वो उसको ऊपर लटका, वो ऊपर था ना, ऊपर लटका दे ऊपर, हाँ वहां पे लटका।
ठीक है, अब मैं इसको जो भी अपना CSS का GitHub का लिंक है वहां पर मैं ओपन विथ VS कोड कर रहा हूँ। तो कल अब मैं क्या करता हूँ, गिट बैश, कल जो भी अपन ने करे थे शायद अपन ने वो कमिट नहीं करे, तो अपन क्या करते, पहले तो इस लोकेशन पे जाते, शो मोर कॉपी पाथ कहाँ गया, कॉपी कॉपी एज पाथ, फिर यहाँ पे CD पेस्ट एंटर। मैं डे टू में छू अभी, अब गिट स्टेटस देखूंगा मैं यहाँ का, तो मैंने इतने सारे फाइल्स बनाए हैं लेकिन इतने सारे फाइल्स को मैंने अभी तक कमिट नहीं किया हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ अभी, गिट गिट ऐड डॉट डॉट बोले तो पूरे फाइल्स जितने भी है ये इन सभी को स्टेज कर दो बोले तो ऐड कर दो। फिर बाद में अपन क्या करते हैं, अब गिट स्टेटस देखूंगा मैं तो सब लोग ग्रीन में हो जाएंगे, मतलब मैंने नई फाइल स्टेज कर दी है। गिट कमिट डैश एम और डे टू CSS प्रैक्टिस बोल के मैं कुछ तो भी कमेंट लिख रहा हूँ, मैसेज लिख रहा हूँ और कमिट कर रहा हूँ। कमिट करने के बाद गिट पुश ओरिजिन और मेरे फीचर ब्रांच का नाम इनटू और एंटर। अभी मेरे चेंजेस पूरे इंटरनेट पे चले गए, सो नाउ माय ऑल चेंजेस आर इन द गिटहब। तुम लोग भी वो गिटहब में देख सकते हो, किसी को वापस जाके देखना है तो आ गया अपना ये CSS प्रैक्टिस। तो इसमें अभी मेन, अभी तो मेन ब्रांच में नहीं आए अपन, अभी कहाँ पे, डे टू के अंदर ही मेरा पूरा प्रैक्टिस है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरा कोड लाइव पे देना है या मर्ज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पुल रिक्वेस्ट रेस करना पड़ेगा, किसी को तो भी रिव्यूअर असाइनी खुद को देना पड़ेगा, कुछ तो भी ऐसा ऐसा एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने का, और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करने के बाद मर्ज कर देने का उसको और कंफर्म मर्ज कर देने का। देन नाउ माई चेंजेस आर मर्ज इन टू मास्टर। अब मेरे में मास्टर के अंदर सब चेंजेस आ गए, ठीक है, जो भी मैंने अभी तक डे वन और डे टू में प्रैक्टिस किया था। तो अभी ये सब गिट बैश के थ्रू किया हमने, हमने ये सब क्या किया, गिट बैश के थ्रू किया हमने, लेकिन ये सब चीजें ना, मतलब मैंने ये सिखाने के लिए और इंटरव्यू परपस के लिए सबसे पहले हार्ड वे दिया तुम्हारा। हार्ड वे बोले तो सबसे हार्ड चीज है, तुम कमांड लाइन से गिटहब में कमिट वगैरह करो। अब कभी कभी क्या होता है, तुम लोग गिटहब नहीं करना है तुमको यूज, सो अभी देखो तो तुम्हारे पास और दो तीन तरीके हैं गिटहब के अंदर कमिट वगैरह करने के लिए। आज अपन एक और तरीका देखते हैं, तो पहले तो मैं अपनी लोकेशन पे जाता हूँ, सी ड्राइव अजर प्रैक्टिस राइट। मैं मेरा जो भी, मैं जो भी गिटहब का लोकेशन है उसको मैं ओपन विथ VS कोड कर रहा हूँ, ठीक है, ओपन विथ VS कोड मैं इस लोकेशन पे आ गया हूँ। तो मैंने कल भी बताया था तुमको कि तुम कौन सी ब्रांच में हो वो यहाँ पे दिखता है, ठीक है, ये यहाँ पे तुम कौन सी ब्रांच के अंदर हो वो दिखता है अभी। अब मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं मेन ब्रांच पे शिफ्ट हो जाता हूँ। तो अभी अपन क्या करते थे, गिट चेकआउट मेन लिखते थे बराबर, तो अपन क्या हो जाते थे, मेन ब्रांच पे चले जाते थे। अब अगर तुम्हारे VS कोड में तुम है और VS कोड ने पास बहुत सारे फीचर्स है, उसमें से ऑटोमेटिकली उसने गिटहब को इंटीग्रेट किया है। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये जो सोर्स कंट्रोल दिख रहा है ये पूरा गिटहब का सोर्स कंट्रोल है। अभी मेरे को यहाँ से मेन ब्रांच में वापस शिफ्ट करना है क्योंकि मैंने मेरे चेंजेस जो डे टू में था वो कमिट कर दिया है, मेरा काम डे टू का खत्म हो चुका है, समझ रहे। अब मेरे जो भी चेंजेस थे मैंने जो डे टू में किए थे वो मेन ब्रांच में आ गए बराबर। तो अब मैं क्या करता हूँ, मेन ब्रांच में मेरे को वापस जाना है, तो मैं अगर इसके ऊपर क्लिक करूंगा,
अगर मैं ये इसके ऊपर क्लिक करूंगा फीचर ब्रांच में, तो यहाँ पे मेरे को सेलेक्ट अ ब्रांच और टैग टू चेकआउट, मतलब कौन से ब्रांच को चेकआउट करना है वो बताओ बोल रहा। तो अब मैं, मेरे मेन ब्रांच भी दिख रही है मेरे को यहाँ पे, तो मैं मेन ब्रांच में वापस जाना चाहता हूँ, तो मेन ब्रांच पे क्लिक करता हूँ, तो उन्हें बोलता है कि देखो दो चेंजेस जो कि सर्वर पे करे हुए है, जो कि अभी मैंने मर्ज किया, कहाँ से किया, गिटहब से किया, ब्राउजर से किया, लेकिन वो मैंने लोकल से किया क्या नहीं, तो मेन को अभी भी मालूम नहीं है कि चेंजेस हुए, कब तक, जब तक मैं गिट पुल ओरिजिन नहीं लिखता, पुल बोले तो वहां से पुल करना, तो वीएस कोड ने ऑटोमेटिकली बता दिया मेरे को कि दो चेंजेस ऐसे है जो कि तुम्हारे क्लाउड के ऊपर है और तुम्हारे लोकल के ऊपर नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको सिंक्रोनाइज कर सकता हूँ, सिंक्रोनाइज बोले तो मैं पुल कर रहा हूँ। अभी मैं मेरी मेन ब्रांच देखूंगा तो मेरे मेन ब्रांच में सब कुछ आ गया है जो भी मैंने अभी मर्ज किया है, अभी तक नहीं था वो, अभी जैसे मर्ज किया मैंने आ गया। अब दूसरी चीज है कि अब वापस मेरे को, अब मेरे को डे थ्री का काम करना है, तो मेरे को एक डे थ्री की एक ब्रांच बनाना है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, वापस ये मेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन है क्रिएट न्यू ब्रांच बोल के, हाँ बोलो। तो वापस मैं यहाँ पे मेन के ऊपर ब्रांच पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट न्यू ब्रांच बोलता हूँ, क्या करता हूँ, क्रिएट न्यू ब्रांच बोलता हूँ, और मैं अभी यहाँ पे ब्रांच का, नया ब्रांच का नाम, अपन ब्रांच बनाने के लिए क्या लिखते हैं, गिट ब्रांच और फिर ब्रांच का नाम देते हैं, वैसे ही यहाँ पे अब मैं पहली बार क्या कर रहा हूँ, वापस नई ब्रांच बना रहा हूँ, कहाँ से बना रहा हूँ, मेन ब्रांच से बना रहा हूँ। तो अभी फीचर स्लैश, मैं क्या बोला, प्रोजेक्ट का नाम पहले, अभी अजर एकेडमी का प्रोजेक्ट चल रहा है, टास्क का नंबर 03, थर्ड डे को मेरे को कोई और टास्क देना, और डे 03 बोल के मैंने एक ब्रांच का नाम बनाया बराबर, और फिर एंटर मारूंगा तो मेरी ये देखो ये ब्रांच बन गई यहाँ पे, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ब्रांच बन गई। अब ये ब्रांच को मैं क्या कर सकता हूँ, पब्लिश कर सकता हूँ, पब्लिश करने का बोले तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये मैंने ब्रांच बना दिया, अब ये ब्रांच को क्लाउड से सिंक्रोनाइज कर दो, क्लाउड से सिंक्रोनाइज कर दो बोले तो गिटहब से सिंक्रोनाइज कर दो, मेरे रिमोट डिस्क से सिंक्रोनाइज कर दो, तो पब्लिश ब्रांच बोलता हूँ मैं, तो जैसे ही मैं पब्लिश बोलता हूँ तो अभी यहाँ पे जो मैंने ये ब्रांच क्रिएट कर दी है यहाँ पे, वो सेम ब्रांच मेरे को क्या होती है अभी यहाँ पर दिखने लगती है, यहाँ पे दिखने लगती है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ सीएसएस प्रैक्टिस को, देखो चार ब्रांचेस आ गए अभी मेरे पास, 01, 02, 03, जो 03 अभी जो मैंने क्रिएट किया है 5 मिनट पहले, और जो मेन है जो कि डिफॉल्ट ब्रांच है मेरी, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं कौन से ब्रांच में आ गया, डे 3 ब्रांच में आ गया। अब मैं यहाँ पे आज का काम करूंगा, कोडिंग करूंगा, ये वो करूंगा, फिर मैं ये ब्रांच में कमिट करूंगा, फिर मैं पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा। अब मैं कमिट भी कैसे यहां से ही करेंगे गिट, बिना गिट बैश के, वो भी बताऊंगा कि अब अभी गिट बैश मैंने ओपन करा क्या अभी तक, बिना वो गिट बैश करे मैंने क्या किया, मैं मेन ब्रांच में शिफ्ट हुआ, फिर मेन ब्रांच को सिंक्रोनाइज किया मैंने, फिर बाद में मैंने क्या किया, मैंने नई ब्रांच क्रिएट की, तब मैंने सब मैंने वीएस कोड के थ्रू किया, सब मैंने वीएस कोड के थ्रू किया, सब मैंने वीएस कोड के थ्रू किया। हाँ बोलो भैया। सर एक बार रिपीट कीजिए ना। हाँ, 2 मिनट मैं रिपीट रिपीट कैसे करेंगे, कल रिपीट हो जाएगा वापस, ये रोज अपन करने वाले, रोज देखोगे तुम लोग तो समझ में आ जाए, अब मैंने ब्रांच बना दिया अब कैसे रिपोर्ट करूं। खैर ठीक है, मैंने खाली मेन, सर हाँ शुरू से खाली बताइए बताइए खाली कि कौन से इसमें हाँ क्या कैसा कैसा एक बार खाली। अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ, पहले क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने क्या किया था, डे टू का जो काम था मेरा, डे टू का जो काम था वो मेरे लोकल पेज था बराबर, कमिट नहीं किया था कल मैंने बराबर,
डे टू ब्रांच के अंदर मैंने कल कोई भी कमिट नहीं किया था, खाली काम किया था। मतलब मैंने चार पांच एक सेलेक्टर का एग्जांपल बनाया, आईडी सेलेक्टर का बनाया, एलिमेंट सेलेक्टर के फाइल्स बनाए, लेकिन ये मेरे कहां पर थे? लोकल मशीन पर ही थे, लोकल फाइल के अंदर ही थे। गिटहब पे गए थे क्या? नहीं गए थे। तो मैंने क्या करा, कमांड लाइन से पहले वो सब चेंजेस कमिट करा, बराबर। तो कमांड लाइन से मैंने पूरे चेंजेस पहले क्या करा, कमिट करा, सॉरी, पहले मैंने ऐड करा, फिर स्टेज करा, मतलब ऐड करा, फिर मैंने क्या करा, कमिट करा, फिर मैंने क्या करा, वो चेंजेस को पुश किया। ये तीन तीन चीजें अपन जनरली करते हैं, बराबर, जब भी कोई चीज कमिट वगैरह करने का है। तो फिर मेरे चेंजेस मेरे कहां पर चले गए? गिटहब पे चले गए। मेरे चेंजेस गिटहब पे चले गए। मेरे चेंजेस गिटहब पे जाने के बाद मैंने क्या किया, पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया। पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया जो कि मेरी, ये देखो, दो क्लोज पुल रिक्वेस्ट हो गई है। ये डे टू की जो मैंने पुल रिक्वेस्ट क्रिएट किया, ये पुल रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया, मतलब मैंने जो भी डे टू में ये 10 फाइल को चेंज किया, ये 10 फाइल्स को मैंने क्या किया, मेरे ये ब्रांच में से मेन ब्रांच में मर्ज अगर करना है, ये देखो मर्ज हो चुकी है ये पुल रिक्वेस्ट, तो मेरे जो चेंजेस मर्ज करना है, मतलब मर्ज करना है बोले तो मेन ब्रांच के अंदर, मेन ब्रांच के अंदर मेरे को क्या करना है, ये जो फीचर ब्रांच, अभी फीचर ब्रांच के अंदर मैंने फीचर ब्रांच से मैंने मेन ब्रांच के अंदर मेरे चेंजेस डाल दिए पुल रिक्वेस्ट के थ्रू। लेकिन जब मैंने मेन ब्रांच के अंदर डाले, वो सिर्फ इस क्लाउड के अंदर हुए, मेरे लोकल को अभी तक पता नहीं है कि पुल रिक्वेस्ट मर्ज हो चुकी है। मतलब मेरे जो ब्रांच टू के फीचर ब्रांच या डे टू के चेंजेस थे, वो मेन ब्रांच में हो गए मर्ज। कब पता चलेगा मतलब मेरे लोकल में ये कब पता चलेगा कि मेरे को चेंजेस मिल चुके हैं? तो मैंने कल तुम लोगों को एक कमांड बताई थी, कल तुम लोगों को मैंने कमांड बताई थी कि जब भी तुमको क्लाउड में कोई चेंज हुआ और अपने को उसको लोकल में लेना है, क्लाउड में चेंज हुआ ना, पुल रिक्वेस्ट कहाँ हुई? क्लाउड में हुई, लोकल पे हुई क्या? जब तक तुम लोकल को बताओगे नहीं कि वहां से लो, तो मैंने कमांड बनाया था गिट फेच ओरिजिन, फेच ओरिजिन या पुल ओरिजिन, दोनों दोनों भी कमांड ऑलमोस्ट सेम काम करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। गिट पुल ओरिजिन या फेच ओरिजिन करेंगे तो अपन क्या करते हैं, जो भी चेंजेस वहां पे हुए, तो मेन के अंदर चेंजेस हो गए अभी, बराबर, मेन ब्रांच के अंदर चेंजेस हो गए। चेंजेस हो गए बोले तो मेन ब्रांच के अंदर नया कोड आ गया, नया कोड आ गया बोले तो जो टू डे टू का कोड था ब्रांच के अंदर, वो कहाँ पे आ गया? अभी मेन ब्रांच के अंदर आ गया। तो अब मेन ब्रांच के अंदर लेटेस्ट कोड चेंजेस है कि जो कि क्लाउड में है, दैट इज देयर इन द क्लाउड। तो अब उसको लोकल पे जाना है, तो गिट पुल करना, जैसे अपन पुश करते, पुश बोले तो भेजो क्लाउड पे भेजो, अभी अपने को क्लाउड से लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा। तो पुल करना बोले तो सिंक्रोनाइज करना, सिंक्रोनाइज करना बोले तो ये बटन दिया हुआ है वीएस कोड में, ये बटन पे जैसी तुम क्लिक करते हो, जैसी तुम ये बटन पे क्लिक करते हो, वैसी ही गिट पुल ओरिजिन बोल के कमांड वो वीएस कोड ऑटोमेटिकली इंटरनली कॉल करके क्या करता है, जो भी मेन के अंदर जो सिंक्रोनाइज टू चेंजेस बोल के आया था मेरे को यहाँ पे, वो सिंक्रोनाइज टू चेंजेस बोले तो क्या आया था, मतलब सिंक्रोनाइज बोले तो क्या, जो भी वहां पर है यहाँ पे सिंक्रोनाइज कर दो, और जो भी यहाँ से है वो वहां पे सिंक्रोनाइज कर दो। तो उसने क्या किया, इंटरनली वीएस कोड क्या करता है, वो बटन के क्लिक के ऊपर कुछ तो भी कमांड्स ही भेजता है, वो कमांड्स ही भेजता है, पुल पुश करने के कमांड्स भेजता है वो, बराबर, पुल पुश फेच करने के लिए कमांड्स भेजता है वो। तो मेरे को वो जो दो चेंजेस मैंने जो वो दो कमिट किए थे, वो दो चेंजेस मेरे को यहाँ पर मिले, और मैंने यहाँ पर रिफ्रेश बटन दबाया, तो मेरे को जो भी मैंने मेन ब्रांच में चेंजेस किया था, वो मेरे मेन ब्रांच, पहले मेन ब्रांच में सिर्फ हेलो हेलो था, हेलो डॉट एच टी एम एल था, अब वो मेन ब्रांच में मैंने कल के जो भी एग्जाम्पल्स थे वो सब आ गए यहाँ पे, बराबर, जो भी लेटेस्ट कोड उधर है वो सब आ गया मेरे पास यहाँ पर, समझा? ये कल वापस से देखेंगे एक बार, अगर नहीं समझा तो। अब मैंने क्या करा फिर, अब ये मेन ब्रांच से, अब मेरे पास मेन में लेटेस्ट चेंजेस आ गए हैं, मेन ब्रांच से ऐसा क्रिएट न्यू ब्रांच बोल के एक नई ब्रांच बना दी मैंने,
एक नई ब्रांच बना दी, अभी वापस नहीं बना रहा हूं, तो ये नई ब्रांच मैंने फीचर ब्रांच टू, अभी जो चेंजेस फीचर ब्रांच मतलब ये डे टू के अंदर है, वो चेंजेस डे टू के अंदर रहेंगे, उसमें वो कहीं कोई चेंजेस ऐसा डिलीट नहीं होते। ये देखो डे वन के अंदर तो एक ही फाइल कर रहे थे अपन, बराबर डे वन के अंदर एक ही फाइल कर रहे थे, तो एक ही फाइल है यहाँ पे। डे टू के अंदर अपन ने ये चार पांच फाइल्स ऐड कर दिए थे, तो ये सब फाइल्स है। अब डे थ्री के अंदर कुछ और रहेगा जो भी अभी अपन करेंगे, तो अभी मैं डे थ्री की एक ब्रांच बनाया आज, अब मैं यहाँ पे दो चार फाइल्स और ऐड करूंगा डे थ्री के अंदर, और फिर बाद में उसको भी कमिट करते रहूंगा मैं, समझ रहा है। तो मैंने अभी एक नई ब्रांच बनाई फीचर ब्रांच को, और उसको पब्लिश कर दिया। पब्लिश कर दिया बोले तो ये जो ब्रांच बनाई मैंने वो कहाँ पे है, लोकल पे बनाई थी मैंने। अब क्लाउड को भी तो मालूम होना कि तूने ब्रांच बना दी, तो एक बटन आया था मेरे को यहाँ पर पब्लिश ब्रांच बोल के, तो मैंने वो पब्लिश ब्रांच के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। तो क्या हो गया कि यहां से गिटहब को, गिटहब बोले तो क्लाउड को, गिटहब क्लाउड को ये पता चला, रिमोट रिमोट को, गिटहब रिमोट ओरिजिन को ये पता चला, रिमोट को ये पता चला कि मैंने नई ब्रांच बना दी है और उसको सिंक्रोनाइज कर दिया मैंने। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अभी अपन नेक्स्ट चैप्टर लेते हैं, फिर बाद में देखिए कल वापस से डे फोर के लिए एक नई ब्रांच बनाएंगे अपन, डे फाइव के लिए नई ब्रांच बनाएंगे। जब तक सीएसएस पढ़ते रहेंगे डेली, ये इसमें अपन कुछ ना कुछ कमिट करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, तुम खुद भी करना है, उससे क्या होगा कि तुम्हारे प्रोफाइल में तुम रोज कुछ ना कुछ काम कर रहे हो, यहाँ पर ये ग्राफ में दिखेगा, और जब तुम ये लिंक तुम्हारे रेज्यूम में डालेंगे तब तुमको ये इंटरव्यू देख के ये पता चलेगा कि भाई ये बंदा 3 महीने से कंटिन्यूअस रोज काम कर रहा है, रोज कुछ ना कुछ कमिट कर रहा है। तो मैं जब भी कोई काम करूं या तुम लोग घर पे जाके मेरा जो अपन ने जो सीखा है उसको वापस से कर रहे हो, उसके चेंजेस को डेली कमिट करो, मैं बार बार डेली बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारा ये जो ग्राफ है वो ग्राफ हमेशा अच्छा रहे, ये जो ग्राफ बना रहे, इससे क्या पता चलेगा कि तुम डेली कुछ ना कुछ कोडिंग करते हो। डेली कुछ ना कुछ कोडिंग कैसे पता चलेगा, जब तुम गिटहब पे कुछ ना कुछ कमिट करोगे, तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड है ये, ऑफिशियल ट्रैक रिकॉर्ड है, सबूत है ये, क्लियर सबूत है ये कि तुमने गिटहब पे काम किया हुआ है। और जो गिटहब पे काम नहीं करता है उसको मतलब गिटहब, बिना गिटहब के आईटी डेवलपर बन ही नहीं सकते, तुम डेवलपर है ही नहीं, दिन भर रात भर का काम गिटहब पे है। कोई भी चेंजेस छोटे से छोटे एक लाइन का एक वर्ड का क्यों नहीं चेंज रहता, उसको तुम्हारे गिटहब पे डेली पुश करना पड़ता, वही काम है तुम लोग का डेली का। सो ये डेली वैसे भी अपन कर रहे हैं, अभी देखो मैंने 90 कमिट्स कर दिया अभी तक, तो खैर। और डेली मतलब रिपोजिटरीज बनाते रहना, अभी ये मेरे B2 की रिपोजिटरीज है, रिडक्स वगैरह पढ़ा रहा हूँ, रिएक्ट रेड्यूसर पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए भी कमिट कर रहा हूँ, फिर ये अपन ने तो HTML प्रैक्टिस करे ही है, तो इस तरीके से अपन हर एक के लिए जब भी जो भी कुछ कर रहे हैं वो कमिट करते रहना। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी को? चलो अभी अपन नेक्स्ट करते हैं, कहाँ से कर रहे थे अपन, W3 स्कूल से ही करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये सिंटेक्स सबको पता है ना, कलर बोले तो प्रॉपर्टी बोलते हैं उसको, की वैल्यू पेयर है ये सेलेक्टर है H1, H1 बोले तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है, यहाँ पे आईडी सेलेक्टर भी हो सकता है, यहाँ पे क्लास सेलेक्टर भी हो सकता है, ये सिंटेक्स है, सिंटेक्स है ये, कैसे लिखते हो तुम। ठीक है, ये कलर प्रॉपर्टी, कलर बोले तो क्या है, प्रॉपर्टी है, ब्लू बोले तो क्या है, उसकी वैल्यू है, फॉन्ट साइज बोले तो क्या है, प्रॉपर्टी है, सीएसएस की प्रॉपर्टी है, 12 पिक्सल बोले तो क्या है, फॉन्ट साइज उसका साइज है, उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से अपन कर्ली ब्रैकेट के अंदर जितने भी अपने को प्रॉपर्टी स्पेसिफाई करना है उतने प्रॉपर्टी स्पेसिफाई कर सकते हैं,
और यहाँ पे तुम्हारा टैग सॉरी सेलेक्टर कोई भी हो सकता है, आईडी सेलेक्टर हो सकता है, एलिमेंट सेलेक्टर हो सकता है, यूनिवर्सल सेलेक्टर हो सकता है, क्लास सेलेक्टर। मोस्टली सीएसएस में 80% क्लास सेलेक्टर्स यूज करते हैं अपन। सीएसएस के अंदर 80% क्या यूज करते हैं, क्लास सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। क्लास सेलेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने ये सेलेक्टर्स देखा, हमने ये सेलेक्टर्स देखा, एलिमेंट सेलेक्टर देखा, आईडी सेलेक्टर देखा, क्लास सेलेक्टर देख लिया, फिर बाद में ये यूनिवर्सल सेलेक्टर देख लिया। कल हम लोग थोड़ा सा ग्रुपिंग ऑफ द सेलेक्टर कर रहे थे, वो भी थोड़ा सा देखा। वापस अभी अभी देख लेते एक बार कि जैसा कि ये देखो, ग्रुपिंग सेलेक्टर का एग्जांपल मैंने बताया था तुमको कि तुम्हारे पास एक H1, H2 और P टैग है। तुम्हारे पास P टैग है, H1 टैग है और H2 टैग है, ठीक है। तुम्हारे पास ये तीन टैग है, H1 टैग है, H2 टैग है और P टैग है। अब क्या कॉमन है इसके अंदर? हाँ, सबको अपन क्या कर रहे, सेम ही प्रॉपर्टी दे रहे। H1 के अंदर भी बोल रहे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड, H2 में भी बोल रहे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कलर रेड, P में भी बोल रहे टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, काइंड ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड कोड हो जा रहा है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन दिया हुआ है कि तुम लोग इसको क्या करो, एक ही जगह H1, H2 लिखो और P लिखो। तो ये क्या कर दे रहे हैं कि अपन एक ही जगह, अब ये दोनों को लिखने की मेरे को जरूरत नहीं है, मैं ये दोनों को कमेंट कर देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ग्रुपिंग कर दिया, मतलब H1, H2 और P, ये तीनों को, ये तीनों क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर्स है। ये तीनों एलिमेंट सेलेक्टर्स को मैंने एक ही प्रॉपर्टी दे दिया। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं कि इन तीनों का कॉमा यूज करके ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो इसको क्या कर बोलेंगे अपन, ग्रुपिंग ऑफ द टैग्स, ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट। मतलब ऐसे दो तीन एलिमेंट को मेरे को, अब ये सिनेरियो बेस्ड रहता है, पूरा सिनेरियो बेस्ड रहता है कि तुमको करना क्या है, मतलब तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, तुमको कितने टैग्स को ग्रुपिंग करना है, सेम सेम सीएसएस देना है, वो तुम्हारे जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है कि यहाँ पे तुमको ग्रुपिंग भी कर सकते हो तुम। H1, P और H2, ये तीन टैगों को मैं एक साथ मिलाकर, मैं तीनों टैगों को टेक्स्ट अलाइन सेंटर और कलर रेड दे रहा हूं। तो अभी देखो कि सेम आउटपुट आएगा जो पहले मैंने सेपरेट 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 करके लिखा था, ये सेंटर में आ गए और उनका रेड है। तो इसको क्या बोलेंगे, ग्रुपिंग, ग्रुपिंग बोलेंगे। थ्री वेज टू इंसर्ट सीएसएस, तीन वे है इंसर्ट सीएसएस का, एक तो एक्सटर्नल सीएसएस, एक इंटरनल सीएसएस और एक इनलाइन सीएसएस, ठीक है। एक्सटर्नल सीएसएस में हम लोग लिंक टैग का यूज करके रिलेशनशिप बता के एचरेफ के थ्रू तुम लोग सीएसएस का फाइल का नाम दे देते हो, जो भी सीएसएस का फाइल रहेगा वो सीएसएस का फाइल का नाम देके तुम लोग अपने सीएसएस पूरे उसके अंदर लिख सकते हो, और डॉट सीएसएस बोल के तुम ये फाइल बना सकते हो, और उसके अंदर तुम अपने सेलेक्टर और प्रॉपर्टी सेलेक्टर और बहुत सारे एक के नीचे एक, 100, 200, जितने प्रॉपर्टी लिखना है उतने प्रॉपर्टी लिखो और ये करो, ठीक है। बाद में इंटरनल बोले तो कहाँ लिखते अपन, हाँ हेड के अंदर, हेड के अंदर लिखते हैं, हेड के अंदर कौन सा टैग में, स्टाइल टैग के अंदर अपन क्या करते हैं, इंटरनल सीएसएस लिखते हैं। यहाँ पे उन्होंने पूरे बॉडी को बोल दिया कि कलर दे दो। ये क्या है, बॉडी भी क्या है, एक एलिमेंट है, बराबर एलिमेंट है, और इसके एलिमेंट को मतलब बॉडी के अंदर जितने भी चीजें रहेंगे सबको बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, लीलन हो जाएगा, जो भी है
H1 टैग यहाँ पर लिया है इस तरीके से। बाद में इनलाइन स्टाइल क्या रहता है कि अपन एलिमेंट के अंदर ही, टैग के अंदर ही स्टाइल एट्रीब्यूट से, क्या है ये, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर ही अपन उसकी सीएसएस की प्रॉपर्टी, और एक से दो लिखने का है तो सेमी कोलन सेपरेटेड करते हैं यहाँ पे। यहाँ पे क्या करते हैं, सेमी कोलन सेपरेटेड रहता है। दो प्रॉपर्टी है, एक प्रॉपर्टी कलर है उसकी वैल्यू ब्लू है, दूसरी प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन है उसकी उसकी वैल्यू सेंटर है। ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग होने वाले हैं, सेमी कोलन से अलग होने वाले, सेमी कोलन से अलग होने वाले। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसकी रहती है, क्योंकि ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स है। कैस्केडिंग बोला मैंने, इसका नाम क्यों आया कैस्केडिंग, क्योंकि उन्हें सबसे पहले ये पी टैग का सबसे नजदीक का को नजदीक, ये H1 टैग को सबसे नजदीक कौन है, स्टाइल एट्रीब्यूट उसका खुद का, तो उन्हें सबसे पहले वो स्टाइल लगाएगा। भले ही ये जो कलर एट्रीब्यूट तुम्हारे ऊपर इनलाइन इंटरनल स्टाइल के अंदर भी होगा पी टैग को लगा हुआ, लेकिन उन्हें कौन सा लिंगा, स्टाइल इनलाइन पहले लिंगा। तो सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है, अगर सेम प्रॉपर्टी तुमने, सेम टैग को सेम प्रॉपर्टी तुमने कहां पर दिया, H1 टैग में भी दिया, यहाँ पे इन यहाँ पे तुमने यहाँ पे भी तुमने यहाँ पे एक स्टाइल एट्रीब्यूट लिखा, सॉरी स्टाइल टैग डाला तुमने यहाँ पे, स्टाइल टैग डाला तुमने यहाँ पे, और यहाँ पे भी तुमने H1 को क्या करा, यहाँ पर भी तुमने H1 को कलर प्रॉपर्टी दे दिया, लेकिन यहाँ पे कलर कोलन तुमने क्या कर दिया, रेड दे दिया। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे कलर ऊपर रेड दिया, लेकिन इसको लग रहा ब्लूच, देखो इसको रन कर रहा मैं तो लग रहा ब्लूच, क्यों, पहली प्रायोरिटी उसके नजदीकी फर्स्ट मतलब नजदीकी चाइल्ड एलिमेंट को है, नजदीकी मतलब ऐसा इंटरनल नहीं बोलेंगे, द नियरेस्ट चाइल्ड, नियरेस्ट चाइल्ड कौन सा है उसका, मतलब ये जो कंटेंट है उसका, इसका नियरेस्ट पेरेंट की प्रॉपर्टी लगेगी। नियरेस्ट पेरेंट कौन है इसका, ये स्टाइल टैग है, ये स्टाइल, ये H1 टैग है जिसका स्टाइल टैग में ब्लू लिखा हुआ है, और ये ऊपर है, ये ऊपर है बोले तो ये इंटरनल स्टाइल है, इंटरनल स्टाइल का सेकेंड प्रायोरिटी है, और अगर अपन ने लिंक करके डाला हुआ है जो कि क्या है अगेन एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, उसका थर्ड प्रायोरिटी है, समझ रहे हो। देखो इन्हें ने यहां पर ही बता दिया, अभी यहां पर मिक्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टाइल शीट, तो H1 को कलर ऑरेंजिज मिला, लेकिन वो माई सीएसएस के अंदर उसने कुछ और लिखा होगा, तो लेकिन उसको क्या मिलेगा, तो इंटरनल को पहले मिलेगा। तो ऐसा इंटरव्यूअर बहुत सारे क्वेश्चंस भी, देखो कैस्केडिंग ऑर्डर बोले तो उसने पहले क्या बोला, इनलाइन स्टाइल को सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन द हेड सेक्शन, एंड देन थर्ड प्रायोरिटी डिफॉल्ट ब्राउजर की है, मतलब जो HTML का जो नॉर्मल है ना उसको सबसे थर्ड प्रायोरिटी है, समझ रहा। तुमने कोई स्टाइलिश प्रोवाइड नहीं करे ना, ना ना तुमने, जैसा कि अपन HTML के टाइम पे करे थे, अपन ने क्या करे थे, स्टाइल एट्रीब्यूट भी नहीं लिखे थे, इंटरनल स्टाइल भी नहीं लिखे थे, एक्सटर्नल भी नहीं लिखे थे, जब HTML पढ़ रहे थे तो उसको कलर कहाँ से लग रहा था, ब्लैक वगैरह, फ़ॉन्ट को तो ब्लैक कलर लग रहा था ना, बैकग्राउंड भी तो बाय डिफॉल्ट, तो वो क्या रह रहा था ब्राउजर का रह रहा था। और लतीफ भाई कैसे आप पानी लाओ ना, ऊपर पानी लाओ, कहाँ लाए तुमने पानी ऊपर, अरे नहीं लाए, कहीं पानी लाए करे, नहीं लाए ना यार, तुम भूल जा रहे यार, आओ देखो यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल।
कमेंट्स मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो सीएसएस के अंदर जो कमेंट्स डालते हैं अपन तो कमेंट्स क्या रहते हैं, कमेंट वाला जो भी कोड रहता है ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग अपने समझ, कल को अभी मैंने ये सेम कोड मैं जाके 15 दिन 1 महीना बाद देखूं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा था। अगर ये तो सिंपल कोड है, लेकिन जब भी तुम कॉम्प्लेक्स लॉजिक वगैरह लिख रहे हो मेरे को समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्या लिखा था। तो इसीलिए मैं बताता हूं यहाँ पे, मतलब मैं कमेंट्स में लिखता हूं कि मैंने ये सेंटर क्लास बनाया टू अलाइन द आइटम्स इन सेंटर, ऐसा कुछ तो भी इन सेंटर। तो ये मैं क्या लिख रहा हूं, कमेंट्स अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे, और अभी कोई तीसरा कुछ तीसरा आदमी आके मेरे कोड को देखेगा तो उन्हें अगर टेक्निकल नहीं है, टेक्निकल नहीं भी है तो उसको वो पढ़ने से पता चल जाना है चाहिए कि यार इन्होंने यहाँ पे ये लाइन के नीचे इन्होंने कुछ तो भी सेंटर के वास्ते कोडिंग लिखा हुआ है, सेंटर के वास्ते प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तो ये जो स्टाइल टैग है ये अभी ऊपर वाला जो HTML टैग के अंदर जो अपन ने बोला था वो कमेंट्स कैसे लिखते हैं लेस देन, और ये अपन ने पढ़ लिए HTML टैग के अंदर कमेंट्स कैसे लिखते हैं, और वैसे ही स्टाइल टैग के अंदर जो कमेंट्स लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, स्लैश स्टार और एंड, स्टार स्लैश से एंड करते हैं। तो जो भी ये कमेंट के अंदर रहता है वो ब्राउजर क्या करता है, इग्नोर करता है, इग्नोर करता है बोले तो उसको कंसिडर ही नहीं करता है एज अ कोड, उसको एज अ कोड कंसिडर ही नहीं करता है, वो उसको निकाल देता है, उसको निकाल देता है और उसको कंसिडर ही नहीं करता है कि वो कोड है। तुम CSS में 2-3 लाइन का भी मल्टी लाइन कमेंट्स भी लिख सकते हो ऐसे। अभी HTML और CSS कमेंट्स कैसे रहते हैं, ये तो HTML कमेंट है और ये तुमने CSS के कमेंट्स दिए, ठीक है। कमेंट्स हाँ, जो कलर है ना कलर जो है वो तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो। एक तो प्री डिफाइंड कलर जो HTML के पास अवेलेबल है या CSS के पास अवेलेबल है, तुम लोग वो प्री डिफाइंड कलर यूज कर सकते हो। कलर बोले तो यहाँ पे जो मैं कलर स्पेसिफाई कर रहा हूँ मेरे प्रॉपर्टी के अंदर, ये जो कलर है ना, अब अपन कलर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, अब अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ दिया सेलेक्टर, अब क्या पढ़ेंगे अपन, हर एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी क्या करता, कलर प्रॉपर्टी क्या करता, फॉन्ट प्रॉपर्टी क्या करता, फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी क्या करता, बॉर्डर प्रॉपर्टी क्या करता। अभी तक अपन ने ये सब पढ़ा नहीं, खाली लिख दिया अपन ने बिना समझे, लिख दिया कि कलर बोल के कुछ तो भी है उसको रेड कलर दे दिए, बैकग्राउंड कलर बोल के कुछ तो भी है उसको कलर दे दिए, टेक्स्ट अलाइन बोलकर कुछ तो भी है उसको कलर दे दिए। अब थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अपन, है कुछ नहीं है सेम ही है, लेकिन अभी जो ये CSS कलर है ये ना प्री डिफाइंड कलर लेता, प्री डिफाइंड कलर लेता बोले तो अगर ऐसा कंट्रोल टैब मारेंगे ना तो ये सभी कलर्स वो लिंगा, तो ये लिमिटेड कलर्स है, ठीक है, इतने छे मतलब ये 200-300 कलर्स होंगे, प्री डिफाइंड कलर्स है, ये प्री डिफाइंड कलर्स है मतलब कॉमनली यूज्ड प्री डिफाइंड कलर्स है, जैसे कि पिंक हो गया, रेड हो गया, पावर ब्लू हो गया, पर्पल हो गया, ये सब क्या है,
प्री डिफाइंड कलर, तो या तो प्री डिफाइंड कलर दे दो तो कलर हो जाता। हाँ, एक ये ऑप्शन है कलर देने का। दूसरा ऑप्शन क्या है कलर देने का, RGB के अंदर दे दो। पहला तो ये है कि तुम ऑरेंज, टोमेटो, ये ऐसा अलग अलग कलर दे देंगे, ठीक है। देखो इसने क्या किया, स्टाइल के अंदर बैकग्राउंड कलर टोमेटो, ऑरेंज, ग्रे, वायलेट, लाइट ग्रे, इस तरीके से अलग अलग तुमने कलर दे दिए उसको। तो ये कलर जो भी अवेलेबल है, डायरेक्ट कलर का नाम दे के कलर दे दिए, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है, देर आर 140 स्टैंडर्ड कलर नेम, सिर्फ 140 स्टैंडर्ड कलर नेम्स है, इसके आगे नहीं है। वैसे कलर के कॉम्बिनेशन तो लाखों हो सकते हैं, अपन ने देखा बराबर। तो तुमको अगर वो सब चाहिए तो मतलब अभी टेक्स्ट कलर दो, या तुम दूसरा तरीका है कि तुम लोग RGB के अंदर कलर स्पेसिफाई करते, RGB के अंदर तुम कलर स्पेसिफाई करते। एक मिनट ये देखो, तो RGB के अंदर रेड इतना, ग्रीन इतना, ब्लू इतना, तो इसके थ्रू भी तुम कलर स्पेसिफाई कर सकते हो। ये देखो RGB की वैल्यू चेंज हो जाती है, अगर मैं इधर उधर, ये देखो यहाँ पे चेंज हो जा रही है, अगर मैं यहाँ लिखूँ, यहाँ चेंज करूँ, 160, 58, 40, इस तरीके से तुम कलर का वैल्यू RGB के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा तरीका, तीसरा तरीका, तुम लोग हेक्स वैल्यू के थ्रू भी कलर की प्रॉपर्टी का वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो। किसके थ्रू, हेक्स वैल्यू के थ्रू, उसके वास्ते हैश लिखने का और हेक्स वैल्यू देने का, जैसा कि ये FF63 और 47, हर एक कलर को एक हैश वैल्यू रहता है, वो हैश वैल्यू भी देंगे तो तुम्हारा एक कलर बनेगा, ठीक है। कलर के वैल्यूज कौन कौन से रह सकते हैं अपन ये देख रहे हैं। एक तो अपन ने देखा नॉर्मल नॉर्मल कलर दे दो, दूसरा क्या देखा RGB के थ्रू दे दो, तीसरा क्या देख रहा हेक्स वैल्यू के थ्रू, हेक्स वैल्यू के थ्रू तुम लोग कलर दो। ये दरवाजा बंद कर रहा है, हेक्स वैल्यू के थ्रू तुम लोग पत्थर लगा देना, वहां पत्थर है ना, ठीक है ठीक है। तीसरा है HSL, HSL बोल के है, HSL बोले तो क्या फुल फॉर्म है इसका, ठीक है ये आगे देखेंगे। HSL बोलकर भी ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं HSL को, सैचुरेशन और कुछ तो भी है, एस के लिए सैचुरेशन है, ठीक है आगे देखेंगे। फिर RGB ए है, ए बोलकर भी है, RGB ए बोल के है, ए बोले तो जो सबसे लास्ट वाला है वो ट्रांसपेरेंसी या ओपेसिटी बताता है, लास्ट वाला जो चौथा पैरामीटर तुम दे रहे हो, ये RGB ए क्या है और एक फंक्शन है, ये HSLA बोले तो ए जैसी डाल रहे हो तो तुम लोग ओपेसिटी दे सकते हो। ओपेसिटी बोले तो ट्रांसपेरेंसी, हाँ वो कैसे होगा, ए लिखेंगे, RGB लिखे वाला है तो उसके आगे ए लिखेंगे, HSL लिखा हुआ है तो उसके आगे ए लिखेंगे, ठीक है। जैसा कि अभी ये HSL अगर मेरे को डालना है तो HSL के थ्रू भी सेम कलर है, हर कलर ऐसे अलग अलग तरीके से तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। डायरेक्ट रेड बोल दो, नहीं तो हैश वैल्यू दे दो, हेक्स वैल्यू दे दो, या तो फिर RGB दे दो, या फिर RGBA दे दो, HSL दे दो। HSL बोले तो इसके आगे देखते हैं, HSL बोले तो ठीक है। अभी नेक्स्ट करेंगे RGB कलर, रिप्रेजेंट रेड, ग्रीन एंड ब्लू लाइट सोर्सेस,
तो कितना रेड कितना ग्रीन और कितना ब्लू स्पेसिफाई कर सकते हो, तुम इतना रेड दूंगा मैं, इतना ग्रीन दूंगा मैं और इतना ब्लू दूंगा मैं, तो ये कलर बनेगा। तो डायरेक्टली तुम लोग आरजीबी डायरेक्ट स्पेसिफाई करते हैं, रेड का आरजीबी ऐसा है, ब्लू का आरजीबी ऐसा है, ग्रीन का आरजीबी ऐसा है, इस तरीके से तुम अलग अलग आरजीबी डिफाइन कर सकते हैं। आरजीबी तो अलग अलग आरजीबी, आरजीबी ए क्या है, ए बोले तो अल्फा वैल्यू, अल्फा वैल्यू बोले तो अल्फा इज अ नंबर बिटवीन 0 to 1, फुल्ली ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल। देखो अब ये ए मैंने जितना जितना कम कर रहा हूं उतना ट्रांसपेरेंट हो रहा है, मतलब 0 कर दिया तो पूरा ट्रांसपेरेंट कलर हो गया, मतलब व्हाइट इज कलर हो गया, और जितना मैं अल्फा को बढ़ा रहा हूं 1 कर रहा हूं, मतलब ओरिजिनल पे आ जा रहा हूं। ठीक है, तो ये कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो आरजीबी ए से करेंगे अपन अल्फा। अल्फा देखो ये अगर पीछे कोई ना कोई तुम्हारा बैकग्राउंड रहेगा और तुम ये अल्फा वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो बैकग्राउंड दिखेगा तुमको, उतना लाइट अपन कर सकेंगे उसको। ठीक है, सब लोग ये ट्राई करके देख सकते हो अगर ट्राई करना है। मतलब अभी देखो ये कितना ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए, तो वो आरजीबी ए के थ्रू अपन ने दिखाया है बराबर। तो ये ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है इसमें, अल्फा वैल्यू तुमको तुमको समझना चाहिए और तुम लगाकर देख सकते हो इसको। या तो हेक्स कलर दो, हेक्स कलर बोले तो ये हेक्साडेसिमल, वेयर आर आर इज रेड, पहले दो वैल्यू रेड रहते, दूसरे दो वैल्यू ग्रीन रहते और तीसरे दो वैल्यू ब्लू ब्लू रहते, इस तरीके से वो हेक्साडेसिमल इंटीजर बनता है, उसको हैच के पहले लगाते। तो ये जो FF है, पहला जो FF है वो क्या है, कितना रेड, ये दूसरा जो 63 है ये क्या है, कितना ग्रीन, और ये जो लास्ट में 47 है ये क्या है, कितना ब्लू। तो इस तरीके से वो हेक्स कोड बनता है, हेक्स कोड बनता है। देखो तुमको ये ऊपर नीचे करूंगा तो ये हेक्स कोड चेंज हो रहा है, ये इतना करूंगा तो ये हेक्स कोड चेंज हो रहा है, इस तरीके से तुम हेक्स कोड भी प्रोवाइड कर सकते हो ये कलर के अंदर। बैकग्राउंड कलर बोल लो, कलर जहां पे भी आ गया, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, कलर बॉर्डर कलर, जहां पे भी आ गया कलर, वो कलर को तुम ये चारों पांचों में से जो भी अलग अलग तरीका है वो अलग अलग तरीके से तुम लोग प्रोवाइड कर सकते हो। कभी कभी तुम लोग क्या कर सकते हो, उसको 3 डिजिट में भी प्रोवाइड कर सकते हो, 6 डिजिट का रहता है ना हेक्स कोड, उसको 3 डिजिट में अगर कर रहे हो तो पहले दो को उन्हें ऑटोमेटिकली FF कंसिडर करेगा, दूसरे को CC कंसिडर करेगा, तीसरे को उन्हें 99 कंसिडर करेगा। ठीक है, हमेशा 6 डिजिट होना नहीं है, वैसे एक्चुअल में 6 डिजिट चाहिए उसको, अभी तुम्हारा को लिखने के वास्ते उन्होंने सहूलत दे दी है कि भाई अगर वो FF है दो बार क्यों लिखते, एक ही बार लिख दो, CC है दो बार क्यों लिखते, एक ही बार लिख दो, 9 है दो बार, एक ही बार लिख दो। तो उन्हें इंटरनली खुद ही CSS बोल लो या HTML बोल लो या ब्राउजर बोल लो, वो उसका कन्वर्जन कर लेगा, वो उसका कन्वर्जन कर लेगा अगर तुम 3 डिजिट में प्रोवाइड करोगे उसको। तो ठीक है, ये इंटरव्यू क्वेश्चन के लिए रहता कि तुम्हारा दिखता, अरे बैकग्राउंड कलर तो 3 डिजिट में डाला इन्होंने, कुछ तो भी गलत करा, वो गलत है बोल देते तुम, 3 डिजिट में बैकग्राउंड कलर नहीं रहता बोल देते तुम। तो खासकर इंटरव्यू और ऐसे क्वेश्चन आप पूछते तुम्हारा, समझ रहे, तो तुम्हारा को ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से पता होना, तो तुम देखते अरे बैकग्राउंड कलर 3 डिजिट का कैसे हो सकता है, गलत है वो, तुम बोलते कि ये कलर रेंडर नहीं होगा, ये कलर नहीं दिखेगा, उन्हें क्या करता, हाँ दिखेगा से नहीं बोलते तुम उसको कि तुमने ये गलत सिंटैक्स दे दिया बोलते। अभी अगर मैंने यहाँ पे ये बॉडी को ये ऐसा लिख दिया समझ लो, यहाँ पे
और मैंने मतलब ये कलर ऐसा ये भी नहीं डाला, मतलब ये ऑटोमेटिकली आ रहा है यहाँ पे, लेकिन कभी कभी वो तो तूने क्या करता है, यहाँ पे भी नहीं देता तुम, वो एक HTML फाइल के अंदर दे देता, मतलब एक नोट पैड पे ओपन करता ताकि तुमको ये कलर दिखे नहीं, और बोलता कि ये इसमें क्या गलती है बताओ। तुम बोलते कि वो बैकग्राउंड कलर तुमने 3 डिजिट में लिया, तुम गलत लिए, तुमने वैसा नहीं है, 3 डिजिट 4 डिजिट में लेते थे तो शायद गलत होता, वो भी तुम्हारा कुछ चेक करना पड़ेगा, लेकिन 3 डिजिट के वास्ते इज अ शॉर्ट हैंड फॉर 6 डिजिट हेक्साडेसिमल कोड वेर आर रेड ग्रीन ब्लू, तो 3 डिजिट का तुम कर सकते हो इस तरीके से। इसको क्या करेंगे, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोलेंगे, शॉर्ट हैंड फॉर 6 डिजिट एक्स्ट्रा, 3 डिजिट हेक्स वैल्यू इज अ शॉर्ट हैंड फॉर सम 6 डिजिट हेक्स वैल्यू, फॉर सम हाँ पूरे भी नहीं, कुछ 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 होने वाला है, क्यों, क्योंकि जिसके अंदर रिपीटेशन नहीं है उसके वास्ते नहीं होने वाला है, तीनों चीजें जहां पे रिपीट नहीं हो रहे वहां पे उस केस में ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर को कुछ नहीं करने वाला, बराबर। HSL ह्यू ह्यू सैचुरेशन एंड लाइटनेस, ये भी एक HSL के थ्रू भी तुम कलर स्पेसिफाई कर सकते, तुम कितना ह्यू देना है, कितना सैचुरेशन देना है और कितनी लाइटनेस देना है। ह्यू इज अ डिग्री ऑफ कलर व्हील फ्रॉम 0 to 360, 0 से 360 तक अपन इसकी वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं ह्यू की। ह्यू क्या है, ह्यू की वैल्यू कहां से कहां तक रहती, हाँ 0 से 360, ह्यू बोले तो पूरा ऐसा सर्कल, सर्कल के अंदर जो 360 रहता है ना, तो वैसा 0 से 360 तक तुम क्या कर सकते हैं, ह्यू ह्यू इज अ डिग्री ऑफ कलर व्हील वेयर फ्रॉम 0 to 360, 0 इज रेड, 120 इज ग्रीन एंड 240 इज ब्लू, 240 से ब्लू चालू होता, 0 से 120 तक रेड रहता, 120 से 140 तक ग्रीन रहता, सॉरी 240 तक ग्रीन रहता, 240 से 360 तक ब्लू रहता, तो इस तरीके से अपना ह्यू का रहता। सैचुरेशन इज अ परसेंटेज वैल्यू, सैचुरेशन कितना सैचुरेशन होना ये कलर के अंदर तुमको, वेयर 0% मींस द शेड ऑफ ग्रे एंड 100% मींस द फुल कलर, एंड लाइटनेस इज आल्सो परसेंटेज, 0% इज ब्लैक, 50% इज लाइट एंड 100% इज डार्क, ये डार्क लाइट हो गया, ये डार्क हो गया, ह्यू के कारण हो रहा है। 100% इज व्हाइट एंड 50% इज लाइट एंड 0% इज ब्लैक। सो इस तरीके से तुम लोग HSL के थ्रू भी एक कलर स्पेसिफाई कर सकते। अब रेड कलर को 0, 100% और 50% दिए तो ऐसा रेड कलर बन रहा, ब्लू कलर 240 दिए और 100% और 50% दिए, मतलब ये 240 क्या है, यू 100% क्या है और 50% क्या है, लाइटनेस, लाइटनेस, और ये वैल्यू कहां से कहां तक रहती, और ये वैल्यू क्या रहती, परसेंटेज में रहती 0 से 100 तक, और ये वैल्यू क्या रहती, 0 से 100% तक। सैचुरेशन कैन बी डिस्क्राइब एज द इंटेंसिटी ऑफ द कलर, ठीक है, लाइटनेस इज अ कलर डिस्क्राइब हाउ मच लाइट यू वॉन्ट टू गिव द कलर, ठीक है, ये इन द एंड कलर ही बन रहे हैं। तो अब HSL ए क्या रहता, ए बोले तो अल्फा, अल्फा बोले तो कितना ट्रांसपेरेंट होना, इन्होंने कितना ट्रांसपेरेंट होना, तो ए जैसी चाह गया वो अल्फा वैल्यू रहती, अल्फा वैल्यू बोले तो कितना ट्रांसपेरेंट होना, 0 बोले तो फुल ट्रांसपेरेंट, फुल ट्रांसपेरेंट बोले तो आर पार दिख रहा है, मतलब पूरा पीछे का पूरा जो इमेज रहेगा या पीछे की जो भी चीज रहेंगी वो पूरी दिख जाएंगी तुमको, और जैसा जैसा तुम आगे बढ़ोगे वैसा वैसा कितना ट्रांसपेरेंट होना तुम्हारे पेज के अंदर वो दैट यू विल सी, वो तुमको पता चलेगा। तो ये ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस एंड अल्फा HSLA के थ्रू भी तुम लोग, HSLA के थ्रू भी तुम लोग देखो, ये HSLA के थ्रू यहाँ पे 9 लिखा, 100%, 64 और
यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.2 वो दिया उसने ट्रांसपेरेंसी, तो उतना ट्रांसपेरेंट हो गया वो कलर। कलर एक्चुअल में ये है रेड, लेकिन जैसा जैसा ट्रांसपेरेंट चाहिए वैसा वैसा तुमने अल्फा की वैल्यू चेंज की। तो अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहती है? 0 से 1, मतलब हमेशा पॉइंट में रहती है। 0.2, 0.1, 0.3, 0.5, ऐसा कुछ 1, 2, 3 नहीं रहती है, सिर्फ 0 से 1 तक ही रहती है इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, ओपेसिटी की वैल्यू। कोई क्वेश्चन यहां तक किसी को? एनी क्वेश्चंस अभी तक? कोई क्वेश्चन किसी को? तो अपन ने देखा कि ये कलर्स जो है, एक तो डायरेक्टली कलर का नाम देके अपने पास 140 अप्रोक्सीमेटली कलर के नाम है, वो स्पेसिफाई करके कलर दे सकते, नहीं तो आरजीबी बोल के दे सकते, नहीं तो हेक्स बोल के दे सकते, नहीं तो एचएसएल दे सकते। आरजीबी के अंदर आरजीबी ए है, ए बोले तो अल्फा है, अल्फा बोले तो ट्रांसपेरेंसिटी या ओपेसिटी बोलेंगे उसको, मतलब कितना 0 से 1 तक उसकी वैल्यू रहेंगी। एच एस एल बोले तो क्या है? ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस, और उसको ए लगा देंगे तो अगेन उसकी भी तुम लोग ओपेसिटी वगैरह दे सकते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में ऐसा बैकग्राउंड कलर, अभी देखो द सीएसएस बैकग्राउंड प्रॉपर्टी आर यूज्ड टू ऐड बैकग्राउंड इफेक्ट्स टू फॉर द एलिमेंट्स। ठीक है, ये बैकग्राउंड का थोड़ा सा फर्क करेंगे अभी। एक और फाइल बनाता हूं मैं, background.html बनाते हैं अपन। अलग फाइल में क्या बच गए क्या? हाँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के लिए। और हमेशा मैंने क्या बोला, सीएसएस कहाँ लिखना चाहिए? सीएसएस हमेशा एक्सटर्नली लिखना चाहिए, अनलेस कोई तुम आपको लिखना ना पड़े इनलाइन या इंटरनल। अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी आती है या कहीं पे कोई ओवरराइड हो जा रहा है सीएसएस और तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम जाके क्या लिखोगे? तब इंटरनल लिखेंगे, इनलाइन लिख, इनलाइन या इंटरनल लिखेंगे हमेशा। एज अ बेस्ट प्रैक्टिस एज अ कोडर, ऑलवेज ऑलवेज राइट सीएसएस इन अ डिफरेंट फाइल। बैकग्राउंड डॉट सी एस एस बोल के बना रहा हूं मैं। ठीक है, अभी ये सी एस एस फाइल को मैं राइट में ले लेता हूँ और ये बैकग्राउंड डॉट एच टी एम एल को यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हैश डाल रहा हूँ अपना सिंटैक्स। So, सबसे पहली प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड कलर बोल के। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, अपने पूरे बॉडी को क्या करते हैं, अपन बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट ब्लू। तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे बॉडी टैग को, बॉडी तो अपन क्या लिख रहे हैं, बॉडी बोले तो एलिमेंट सेलेक्टर को डॉट गिट लिखना पड़ता क्या? एलिमेंट सेलेक्टर को डायरेक्ट एलिमेंट का नाम लिखना पड़ता जो एलिमेंट को तुम लोगों को सीएसएस अप्लाई करना है। तो बॉडी को मैं क्या बोल रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर बोल के प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, लाइट ब्लू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये जो है ये बैकग्राउंड कलर अभी अप्लाई हो जाएंगी क्या, हो जाएंगी क्या, देखेंगे अप्लाई हो रही है। बैकग्राउंड कलर तो व्हाइट ही दिख रहा, क्यों नहीं हुई? क्योंकि मैंने लिंक नहीं करा, तो लिंक टैग यूज करूंगा मैं। रेल स्टाइन शीन एचरेफ डॉट बैकस्लैश बैकग्राउंड सीएसएस। अब देखूंगा मैं, तो देखो मेरा लाइट ब्लू पूरा बैकग्राउंड हो गया पेज का। सबसे पहले अपन पेज में बैकग्राउंड ही डालते हैं, करो सब लोग ये करके देखो अपने अपने लैपटॉप पे।
किसी को कोई क्वेश्चंस? सब लोग ये करो। सबने कर लिया ये? सबने बैकग्राउंड कलर डाल दिया? अभी मैंने बॉडी को डाला है यहाँ पर। अभी मैं यहाँ पर एक पी टैग लेता हूँ। अगर पी टैग को मेरे को एक पी टैग लेता हूँ, ये पी टैग के ऊपर H1 टैग लेता हूँ और एक मैं एक डिव टैग लेता हूँ। अब मेरे को H1 को अलग बैकग्राउंड देना है तो क्या करना पड़ेगा? बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड प्रॉपर्टी H1 को कलर देना है मेरे को बैकग्राउंड, तो H1 एलिमेंट लिखूंगा बैकग्राउंड कलर। ब्लू वायलेट देता हूँ इसको, है आपकी आवाज कट रही है। मैं ठीक है, मैं देखता हूँ क्या हुआ। मतलब सबको हो रहा है क्या? अलीम का भी डन बोल के मैसेज आया। सबको आवाज सुनाई दे रही है मेरी ऑनलाइन? अमजद, अनीम, मेरी आवाज सुनाई दे रही क्या? हाँ आ रही है, सबको आ रही है। भजन आपके तरफ से नेट का प्रॉब्लम है। हाँ आ रही है सबको। ठीक है, वापस से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। सब लोग ने ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्या? अब मैंने H1 टैग को बैकग्राउंड कलर दे दिया, बॉडी टैग को बैकग्राउंड कलर दे दिया, एक अलग फाइल में ले लिया मैंने। फिर मैं अभी P टैग को एक बैकग्राउंड कलर देता हूँ। अपन अभी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देख रहे हैं। इसको ब्लैक देता हूँ और फिर बाद में और क्या है मेरा डिव टैग को मैं क्या करता हूँ, एक और कलर देता हूँ बैकग्राउंड कलर। मुझे और पता नहीं क्या है। तो इस तरीके से मैं हर एक एलिमेंट को अलग अलग कलर दिया है मैंने। हर एक एलिमेंट को मैंने क्या किया, अलग अलग कलर दिया है। अब मैं मेरा आउटपुट देखता हूँ तो सबसे पहले बैकग्राउंड कलर आ गया है मेरा, और उसके ऊपर ये हेडिंग 1, डिव के ऊपर व्हाइट कलर आ गया है, और ये ब्लैक कलर टेक्स्ट का भी कलर ब्लैक है। किसका? पी टैग का। अभी पी टैग का टेक्स्ट का कलर चेंज करने का तो कलर एट्रीब्यूट यूज करने का,
इसको व्हाइट कर देता हूं मैं, ब्लैक के ऊपर व्हाइट। अभी बैकग्राउंड कलर व्हाइट है और टेक्स्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर क्या है, ब्लैक है और टेक्स्ट का कलर क्या है, व्हाइट है। सब लोग यहां तक करके देखो, ऑनलाइन वाले सब लोग यहां तक करके देखो। हम लोग यहां तक करके देखो, तो हम लोग अभी बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देखी है लिया अपन ने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अपन। अभी ये जो बैकग्राउंड कलर के अंदर तुमको थोड़ा सा ओपेसिटी देना है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, एक या तो कलर के अंदर ये ओपेसिटी प्रोवाइड करो, या फिर एक और एट्रीब्यूट है ओपेसिटी बोलकर, तो अपन क्या कर सकते हैं कि ये ओपेसिटी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी ये ब्लू कलर के अंदर, नहीं वायलेट कलर के अंदर अपन क्या करते हैं, ओपेसिटी 0.3 करते हैं। ओपेसिटी ये देखो, ये ओपेसिटी 3 करेंगे तो कैसा वो लाइट हो गया, राइट। तो अपन बोलेंगे कि यार ये ओपेसिटी मैं अलग से क्यों लिखूं, तो अपने पास एक ऑप्शन क्या है, RBA के अंदर अपन इसको 30%, ये दोनों लाइन को हटा के बैकग्राउंड कलर जो है, बैकग्राउंड कलर को क्या कर सकते हैं अपन, RBA प्रॉपर्टी दे देंगे। तो अभी देखो अपना आउटपुट थोड़ा सा लाइट ग्रीन हुआ, प्लस 0.3 ओपेसिटी का, 0.1 ओपेसिटी करूंगा मैं, और लाइट हो गया वो देखो यहाँ पर। तो कलर RGB, अभी कलर RGBA में प्रोवाइड करो, RGBA में प्रोवाइड करो, ये बोले तो अल्फा, अल्फा बोल का मीनिंग क्या है, अल्फा में ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसिटी दोनों में एक ही है, ओपेसिटी बोले तो ट्रांसपेरेंसी, तो कितना ट्रांसपेरेंट होना तुमको कलर, वो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी। अब जैसा बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, वैसी ही बैकग्राउंड बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी भी है। तो मैं क्या करता हूं, पूरे बैकग्राउंड को क्या करता हूं, बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी, ये देखो रे, चलो हो गया ये सबका। एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश इमेज प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड इमेज अगर देना है तो इसका एक प्रॉपर्टी में ये यूआरएल लेता, यूआरएल बोले तो एक फंक्शन है, यूआरएल बोले तो जैसा एचआरएफ देते हैं वैसे यूआरएल देने का। यूआरएल, अभी मेरे पास कोई इमेज है क्या यहाँ पे, कोई तो इमेज नहीं है, मैं पहले तो इमेज लेके आता हूँ ये फोल्डर में। तो पहले तो अगर तुमको ये लोकेशन पे तुमको ओपन करना है, तो राइट क्लिक करने का, रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करने का, तो मैं वापस से ये फाइल एक्सप्लोरर के अंदर आ गया हूँ। मैं पीछे जाता हूँ और HTML के अंदर से, या फिर कुछ और करते हैं यहाँ पर, पेपर इमेज कहाँ मिलेगा मेरे को। हाँ, कंप्यूटर में जो डाउनलोडेड है वो भी ले सकते हैं।
कोई भी इमेज लो वैसे तो। ये इमेज को मैं सी में, अजर में, अजर एकेडमी में, B3 में, गिटहब में, CSS प्रैक्टिस में एक फोल्डर बनाता हूँ मैं इमेजेस बोल के, और ये इमेजेस फोल्डर में मैं ये कुछ तो भी पेपर डॉट PNG बोल के इमेज सेव कर रहा हूँ। ठीक है, अभी VS कोड में देखूंगा मैं, तो ये इमेजेस फोल्डर है मेरा, तो अभी इसको मेरे को लेना है, तो क्या है ये डॉट बैक स्लैश इमेजेस और उसके अंदर पेपर डॉट इमेज। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड इमेज बोल के प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है URL के अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर इमेज का पाथ लेता है। अब मैं मेरा कोड देखता हूँ, ओपन विथ फाइल, देखो पूरा इमेजेस आ रही है मेरी यहाँ पे, लेकिन तो HTML में अगर वैसे इंसर्ट नहीं कर रहे हो आप इमेज फाइल हैक कर ले जब हम डाउनलोड करा ले तो ये बात है डाउनलोड सीएसएस पार्ट या फोल्डर जब नहीं हो फोल्डर, फोल्डर बदल गया ना, ये फोल्डर में लाना पड़ेगा ना, वो कॉपी करके लाओ, कुछ भी लाओ। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड इमेज, लेकिन ये बैकग्राउंड इमेज बहुत आ रही है, तो इसके लिए एक सॉल्यूशन है, तो उसकी इमेज की जो साइज थी तो मेरी इमेज क्या हो रही है, रिपीट हो रही है मेरी इमेज जो हो रही है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो अपन क्या कर सकते, इफ द अगर तुमको उसको रिपीट नहीं करवाना है, अगर उसको रिपीट नहीं करवाना है, अब ये देखो मैं इसको इसको निकालता हूँ, ये प्रॉपर्टी को तो रन करता हूँ, तो ये क्या हो रही है, नीचे 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 क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो एक और प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की, बैकग्राउंड डैश रिपीट, रिपीट एक्स बोला हमने, तो रिपीट एक्स बोले तो एक्स के एक्स, हाँ इधर से रिपीट नहीं होंगी वो, मतलब हॉरिजेंटली रिपीट नहीं होंगी, ऐसा नो रिपीट बोल के भी ऑप्शन है, तो अपन क्या करते हैं वो डालते हैं। अब तो मेरी इमेज रिपीट हो रही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड रिपीट बोल के एक CSS प्रॉपर्टी है, इसको क्या बोलता हूँ, नो रिपीट बोलता हूँ मैं, नो रिपीट, नो रिपीट ऑप्शन है मेरे पास एक। तो अभी ये देखो ये बैकग्राउंड इमेज जो है वो रिपीट नहीं हुई, दिख रही है रिपीट नहीं हुई। और अभी मैं इसका क्या कर सकता हूँ, सब लोग ये ट्राई करो पहले, इसके आगे देखेंगे वाले। अभी हर प्रॉपर्टी की तुमको कौन कौन सी वैल्यूज उन्हें लेता है ना, अभी जैसे कि बैकग्राउंड रिपीट है, अब ये बैकग्राउंड रिपीट क्या क्या प्रॉपर्टीज देता है ये देखने का है मेरे को। तो बैकग्राउंड रिपीट कोलन के बाद क्या करना, तुमने कंट्रोल और स्पेस दबाना, कंट्रोल और स्पेस दबाने के बाद इंटेलिजेंस आता है कि इन्हें इनहेरिट, इनिशियल, नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स, रिपीट वाई, मतलब हॉरिजेंटली रिपीट करना है या वर्टिकली रिपीट करना है, राउंडली रिपीट करना है या स्पेस रिपीट करना है, तो इतने सारे वैल्यू है। मैंने नो रिपीट लिया, नो रिपीट लिया बोले तो उन्हें रिपीट नहीं होंगी। और अगर मैं यहाँ पे रिपीट वाई बोल के लेता तो इन्हें वाई एक्सिस पे रिपीट हो रही, मतलब नीचे 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 रिपीट हो रही। अगर मैं रिपीट एक्स लेता तो वो एक्स एक्सिस पे रिपीट हो रही, सेम इमेज मेरा 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 ब्राउजर की बॉडी कवर करने के लिए एक्स साइड में रिपीट हो रही। और अगर मैं ये दोनों लेता ही नहीं हूं, ये दोनों को लेता ही नहीं हो, तो वो दोनों साइड में रिपीट हो रही है,
दोनों एक्स पे भी रिपीट हो रही है, वाई पे भी रिपीट हो रही है। हाँ ठीक है। और अगर मैं खाली रिपीट लिखता हूँ तो भी ये रिपीट हो जाएंगी, एक्स और वाई दोनों तरफ रिपीट हो जाएंगी। ये खाली रिपीट लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, पहले तो मैंने बैकग्राउंड इमेज देखे। अभी अपन ने बैकग्राउंड इमेज में, अपन ने बैकग्राउंड के अंदर इमेज डाल दिया, और बैकग्राउंड रिपीट बोल के अपन ने रिपीट बोल दिया, या फिर नो रिपीट भी बोल सकते। कंट्रोल और स्पेस दबाने के बाद इंटेलिजेंस आता है, तो नो रिपीट बोल सकते हैं इसको। नो रिपीट बोलेंगे तो एक ही इमेज दिखेंगी तुम्हारी। अगर तुम्हारी बड़ी इमेज रहेंगी ना, वो ऑटोमेटिकली पूरी बॉडी के लिए स्केल हो जाएंगी। ये मेरी बहुत छोटी और खराब इमेज है, इसीलिए उन्होंने वहां तक ही उसको इमेज लिया, क्योंकि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया। अपन दूसरे इमेजेस भी तुम लोग ट्राई कर सकते हो, एक बार बढ़ा सकते हैं ना। तो यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे हाइट और विड्थ दो ना, नहीं वो तो बॉडी को लग जाएंगी। ये एक मिनट आगे देखते हैं अपन। देखो ये बैकग्राउंड पोजीशन है, अभी देखो एक बैकग्राउंड पोजीशन है। अब मेरे को कहाँ पे ये बैकग्राउंड को लेना है, अब ये बॉडी के अंदर मैं ये अभी मैंने ये जो नई इमेज डाला है, ये नई इमेज ट्री की इमेज लाया है, ये ट्री की इमेज मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे IMG ट्री, ठीक है। और इसको अपन क्या करते हैं, नो रिपीट बोलते हैं, और एक बैकग्राउंड पोजीशन है। बैकग्राउंड ये देखो, बैकग्राउंड पोजीशन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकते हैं कि उन्हें राइट में रहना और टॉप में रहना, ठीक है। अब राइट और टॉप मैंने क्या किया, उसकी पोजीशन डिफाइन की। तो देखो ये इमेज जो है ये राइट में चली गई और टॉप में चली गई। मैं अगर उसको लेफ्ट में करूंगा, लेफ्ट और टॉप करूंगा,
तो देखो क्या होता है, लेफ्ट और टॉप में आ गई है बराबर। अगर मैं उसको लेफ्ट और बॉटम करूंगा तो नीचे लेफ्ट और बॉटम में, ये क्या हो गया? पेज के हिसाब से एडजस्ट हो सकता है सर, कोडिंग करने से पहले भी हाँ, कोडिंग करें तो पेज के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देना। ऑटोमेटिकली एडजस्ट अगर तुम्हारी बहुत बड़ी हो रहेंगी तो होगा, ऐसा कुछ एडजस्ट अपने कुछ सीएसएस के थ्रू करना पड़ता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। एडजस्ट वो ऑटो कर सकते हो, एक ऑटो प्रॉपर्टी भी रहती है, तो वो तो बाय डिफॉल्ट ऑटो में ही रहता ना होने, वो तो बाय डिफॉल्ट दे रहा था। यहाँ बाय डिफॉल्ट यहाँ लेफ्ट साइड में रहने वाली होगी। ये देखो बैकग्राउंड पोजीशन जो है तुम सेंटर में भी बोल सकते हो उसको, मतलब ये पूरे अलग अलग वैल्यूज है, ये कंट्रोल और स्पेस यहाँ यहाँ पर नहीं आ रहा शायद बैकग्राउंड पोजीशन। अच्छा नीचे ये देखो, ये बॉटम सेंटर इनहेरिट लेफ्ट टॉप, और एक से दो वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी सेंटर बोला मैंने तो ये देखो, ये सेंटर में आ गई मेरी इमेज। सेंटर बॉटम ऐसा करेंगे, बॉटम में वो ऊपर चले जा रही है, ये देखना चाहिए तुमको कि क्यों ऊपर चल जा रही है। अभी ये देखो, ये बैकग्राउंड साइज होने के सर उसमें क्या होता है। साइज हाँ, बैकग्राउंड साइज कवर, तो उन्हें पूरे पूरे पेज को कवर कर दे। बैकग्राउंड साइज कवर कर दो, कवर हो जाती पूरी में, पूरा बैकग्राउंड कवर हो जा रहा वो इमेज। इसको सेंटर हटा दो, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज में कवर कर दो। दो तीन ऑप्शन है उसके अंदर, कवर एक है, ऑटो एक है, ऑटो में तो ये सायदा रह रहा है, और एक है कंटेन बोल के है, कंटेन बोल के है, तो जो भी जितना भी अपना टेक्स्ट वगैरह कंटेन रहेगा उसके अंदर ही जो इमेज रहेगी बराबर। कंटेंट बोले तो जितना अपना कंटेंट है, कंटेंट जितना है उसके अंदर ही रह रही होगी इमेज, या फिर कवर बोल दो। कवर बोले तो क्या है, पूरा पूरा बैकग्राउंड पूरा बॉडी को उन्हें इमेज क्या करेंगी, कवर कर देंगी, पूरी बॉडी को इमेज कवर कर देंगी। तो ये सब प्रॉपर्टीज वगैरह ना हजारों हैं, अब हर एक को अपन एक्सप्लेन करते बैठे तो नहीं होने वाला, लेकिन तुम्हारा खुद से ये हर एक प्रॉपर्टी ट्राई एरर ट्राई एरर ट्राई एरर करते बैठना पड़ता। ये लगाए तो क्या हो रहा, ये लगाए तो क्या हो रहा, ये लगाए तो क्या हो रहा, समझे? ये बेसिक चीजें हैं, ये पढ़ने से तुमको समझ में आने वाली, इसको समझाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये डालो तो ये होता, ये डालो तो ये होता, और क्या करेंगे, और क्या समझेंगे? सेंटर डाले तो सेंटर में आता, लेफ्ट डालेंगे तो लेफ्ट में आता, टॉप डालेंगे तो टॉप में आता, इसमें पोजीशन डालो तो पोजीशन आता। तुम लोग खुद इसको अलग अलग तरीके से ट्राई करना। इनहेरिट बोले तो क्या हो रहा, ये देखो इसके वैल्यूज, लेफ्ट टॉप लेफ्ट सेंटर लेफ्ट बॉटम, सेंटर 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 भी एक है,
तो इसके प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, किधर है, डेमो देखो इसका एक, ये देखो अगर मैंने ये देखो लेफ्ट बॉटम किया तो कैसा हो रहा, लेफ्ट टॉप किया तो कैसा हो रहा, ये उसने अलग अलग डेमो बता दिया यहाँ पे, हर प्रॉपर्टी का डेमो बता दिया इसने यहाँ पे। ये देखो ये बैकग्राउंड पोजीशन का डेमो बता रहा है इन्हें, और इसके बाद है ये देखो बैकग्राउंड इमेज का डेमो। तो देखो बैकग्राउंड इमेज में तुमने अलग अलग दो इमेज डाल दिए तो एक के ऊपर एक आ रहे, ग्रेडियंट डाल दिए तो ऐसा आ रहा, लीनियर डाल दिए तो ऐसा आ रहा, रिपीटिंग एंड यूआरएल के अंदर दो यूआरएल भी डाला देखो। हाँ उसने यूआरएल के अंदर ये दो यूआरएल भी डाले तुमने तो एक के ऊपर एक इमेज आ रहे। तो इसके बाद कॉमा करके मैं वो दूसरी इमेज भी, मैं यूआरएल और मैं क्या करता हूँ मेरी दूसरी इमेज भी डाल देता हूँ यहाँ पे, और मैं क्या करता हूँ डॉट बैक स्लैश इमेजेस और पेपर। अब मैंने मेरे पेज में दो इमेजेस डाल दी, एक तो देखो वो पेपर भी कवर हो गया पूरा और ये भी हो गई कवर। अब ये देखो अगर मेरे को ये कॉनिक ग्रेडियंट बोल के इमेज डालना है, ये इनबिल्ट है, हाँ मतलब कुछ कुछ ब्राउजर्स में इनबिल्ट है। तो अभी मैं ये इमेज प्रॉपर्टी ये बैकग्राउंड इमेज को कमेंट करता हूँ, और बैकग्राउंड इमेज के अंदर अभी मैंने ये कॉपी किया है, कॉपी करके डालता हूँ। तो अभी मेरा पेज कैसे हुआ देखो, ग्रेडियंट आ रहा है अभी मेरे पेज में। ये हेडिंग गिडिंग का बैकग्राउंड कलर निकाल देता हूँ, इससे क्या हो रहा है कन्फ्यूजन हो जा रहा है, ठीक है समझ रहे हैं। अभी अगर अपने को ये ग्रेडियंट है, ये लीनियर ग्रेडियंट है, ये कॉनिक ग्रेडियंट था, ये लीनियर, लीनियर बोले तो एक लाइन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट बोले तो दो चार कलर पांच कलर मिक्स करके जो ग्रेडियंट बनता ना उसको ग्रेडियंट बोलेंगे। तो लीनियर ग्रेडियंट देखो, मैं लीनियर ग्रेडियंट डाला तो ऐसा बैकग्राउंड हो रहा तुम्हारा। ये कलर तुम लोग तुम्हारे हिसाब से चेंज कर सकते हो, फिर रेडिकल ग्रेडियंट डाल के देखो, मतलब ये रेडिकल बोले तो गोल गोल रेडिकल ग्रेडियंट डालता हूँ मैं। तो अभी देखो अपना इमेज कैसे हो गया, गोल 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 हो गया। मैं क्या करता हूँ इसको बैकग्राउंड कवर करते हैं, ठीक है। फिर बाद में ये देखो रिपीटिंग कॉनिक ग्रेडियंट बोल के एक ऑप्शन है इसके अंदर, अगर तुमको कभी ऐसा ग्रेडियंट ऐसा ब्लैक डाउन कलर चाहिए तो ये एक फंक्शन है। ये सब इनबिल्ट फंक्शन है, ये सब इनबिल्ट फंक्शन। ये देखो ये ऐसा आ गया तुम्हारे पेज में। तो तुम्हारा को जो भी बैकग्राउंड इमेज चाहिए, एक ही बैकग्राउंड इमेज मोस्टली डालते हैं अपन, उसके अकॉर्डिंगली तुम्हारे ये कलर्स वगैरह तुम अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। और इससे पहले अपन ने क्या देखा, बैकग्राउंड कलर देखा, तो इसको ऐसे अलग अलग तरीके से डाल सकते हो, ये देख लिया अपन ने। अब बैकग्राउंड पोजीशन, अभी देखो बैकग्राउंड पोजीशन लेफ्ट टॉप लेफ्ट सेंटर लेफ्ट बॉटम, ऐसे तुम अलग अलग पोजीशंस डाल सकते हो। बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड रिपीट अगर देखो बैकग्राउंड रिपीट लिखे तो रिपीट, अभी एक्स में रिपीट करे तो एक्स में रिपीट हो रही, वाई में रिपीट बोले तो वाई में रिपीट, नो रिपीट बोले तो एक ही जगह आ रही, स्पेस बोले तो है, राउंड बोले तो थोड़ा सा राउंड हो रहा है। ठीक है, और क्या है बैकग्राउंड साइज बोलकर एक है, साइज ऑटो बोले तो ऐसा आ रहा, कंटेंट बोले तो टेक्स्ट के अंदर जितना रहेगा कंटेंट, कवर बोले तो पूरा कवर हो जा रहा है, 50% बोले तो ये हो जा रहा है, 30 पिक्सल बोले तो ये ऐसा हो जा रहा है। तुम्हारा जो बैकग्राउंड साइज है ना, तुम यहाँ पे बैकग्राउंड साइज ऐसा 100% भी दे सकते हो, बैकग्राउंड साइज 100% भी दे सकते हो। अगर मैंने बैकग्राउंड साइज 100% दिया तो ये, अच्छा अभी अपन ने
ये वाला रेडियंट कमेंट करता हूँ मैं, ऊपर वाला ही मैं समझने के लिए लेते हैं। तो बैकग्राउंड साइज 100% बोले तो पूरा 100% उसने वो पूरे बैकग्राउंड को कवर कर दिया। इसको मैं 50% भी कर सकता हूँ, तो 50% ऑफ द पेज के अंदर उन्होंने बैकग्राउंड ला लिया मेरा। इसको अपन पिक्सेल में भी दे सकते हैं, मतलब 250 px, px बोले तो पिक्सेल में। तुमको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये पिक्सेल जो रहता है कि वो मतलब ये पूरा पिक्सेल है ना, हर एक पिक्सेल है, मतलब अभी मेरा 1028 इसका जो साइज है उसके साइज के अकॉर्डिंग तुम अपना पिक्सेल ले सकते हो, बराबर। तो ये सब कैसे कर रहा हूं मैं, बैकग्राउंड साइज से मैं अपना साइज चेंज कर रहा हूं बैकग्राउंड का। सब लोग ये अलग अलग वैल्यूज ट्राई करो। किसी को कोई क्वेश्चन? सब लोग अलग अलग ट्राई करो। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? तुम लोग ये अलग अलग चीजें ट्राई करो, ये सब ट्रायल एंड एरर तुम लोगों को करते रहना पड़ता है, ट्रायल एंड एरर तुम लोगों को करते रहना पड़ता है। अलग अलग बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज डाल के तुम लोग चेक कर सकते हो। किसी को कोई क्वेश्चन? किसी को कोई क्वेश्चंस? क्वेश्चन पूछो, अगर क्वेश्चन है तो, कुछ समझा नहीं तो। सब लोग ने जिसने करा वो डन मार्क, डन डन करो यहां पर। सब लोग ये ट्राई करो। करके देखो सब लोग अपने अपने सिस्टम पे।
हो गया क्या सबका प्रैक्टिस? ठीक है, एक और है बैकग्राउंड अटैचमेंट बोल के, वेदर द बैकग्राउंड इमेज शुड स्क्रॉल और बी फिक्स्ड। मतलब अगर तुमने बैकग्राउंड अटैचमेंट बोल के डाला तो ये देखो, ये देखो अपन अपने पास इतने सारे पी टैग है, समझ लो मेरे पास बहुत सारे पी टैग है। मैं यहाँ पे बहुत सारे पी टैग्स ला रहा हूँ, ठीक है। अभी मेरा पेज देखो, मेरे पास बहुत सारे पी टैग है और मैंने ओपन विथ किया, तो अभी मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी इमेज स्क्रॉल हो रही क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि क्या है, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बैकग्राउंड अटैचमेंट बोल के एक प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड अटैचमेंट, उसे यहाँ पे अटैचमेंट नहीं डाला उसने, ठीक है। अभी मेरी ये इमेज राइट साइड में है, लेकिन ये मैं जैसी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मेरी इमेज क्या रह रही है, फिक्स्ड रह रही है वो स्क्रॉल के साथ। मतलब मेरा पेज बहुत बड़ा हो गया, मेरे पेज को स्क्रॉल लग गया, स्क्रॉल लग गया बोले तो ये राइट साइड का स्क्रॉल गया, क्योंकि ये जो पी टैग मैंने डाला इतना बड़ा है कि मेरे को नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। लेकिन मेरी इमेज स्क्रॉल हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि मैंने क्या लिखा, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स लिखा। अगर मैं यहाँ पे फिक्स के जगह स्क्रॉल लिखता हूँ, फिक्स के जगह स्क्रॉल लिखता हूँ, तो अब मैं देखो ये स्क्रॉल कर रहा हूं तो उन्हें भी स्क्रॉल होके अंदर चले जा रही है, बराबर फिक्स्ड नहीं रह रही है वो, दिख रहे हो? ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा? तो ये जो इमेज है, ये इमेज स्क्रॉल होके स्क्रॉल लग गया उसको, बराबर। अगर मेरे को इमेज को फिक्स रखना है तो मैं यहाँ पे फिक्स्ड लिखता हूँ, तो देखो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो भी इमेज वहीं पे रह रही है। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी है, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट प्रॉपर्टी से। देखो इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे और इसको रन करते हैं, अब देखो वो चली गई, अंदर चली जा रही है। अगर उसको मैं फिक्स्ड करता हूँ तो वो जो इमेज रह रही है वो फिक्स्ड रह रही है। तो इस तरीके से तुमको अलग अलग प्रॉपर्टी के साथ तुमको खेलना पड़ेगा। अब अपन ने क्या क्या देखा, अपन ने कलर देखा, इमेज देखा, रिपीट देखा, अटैचमेंट देखा, बैकग्राउंड डैश कलर, बैकग्राउंड डैश रिपीट, बैकग्राउंड डैश अटैचमेंट, बैकग्राउंड डैश साइज, बैकग्राउंड डैश इमेज, बैकग्राउंड डैश कलर, बहुत सारी चीजें देख ली अपन ने, बराबर। तो ये अलग अलग लिखना बोले तो और एक परेशानी है, बराबर। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजिशन, हर जगह बैकग्राउंड 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 बैकग्राउंड, हालांकि ये सब क्या है, बैकग्राउंड ही है, बराबर। सब क्या है, बैकग्राउंड ही है। तो एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर निकाला उन्होंने कि बैकग्राउंड लिख दो खाली और ये ऐसा स्पेस 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 देके तुम उसके, अब ये इतना सब कुछ लिखने की तुमको जरूरत नहीं है,
ये बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड ये इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। एक शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बनाया गया है सिर्फ बैकग्राउंड बोल के। तो अब बैकग्राउंड बोले तो अब बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले उसका कलर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, लाइट ब्लू स्पेस, फिर उसका यूआरएल देते हैं, मतलब उसके पीछे इमेज कौन सी रहेंगी। यूआरएल देता हूँ मैं, यूआरएल देता हूँ, उसके पीछे इमेज कौन सी रहेंगी, डॉट बैक स्लैश इमेजेस स्लैश इमेज ट्री। फिर उसके बाद स्पेस देके मैं क्या करता हूँ इसकी, लेकिन सीक्वेंस याद रखना। देखो हमेशा ना शॉर्ट हैंड, वैसे ज्यादातर शॉर्ट हैंड यूज नहीं होता है, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि शॉर्ट हैंड ऑपरेटर रहता है और वो कुछ तो भी ऐसा करता है। तो उनका ऑर्डर ये रहता है हमेशा, हाँ सबसे पहले तुम बैकग्राउंड कलर डालोगे, फिर बैकग्राउंड इमेज डालोगे, फिर बैकग्राउंड रिपीट डालोगे, फिर बैकग्राउंड अटैचमेंट डालोगे। फिर इट डज नॉट मैटर इफ वन प्रॉपर्टी वैल्यूज मिलने, एज लॉन्ग एज द अदर वंस आर इन दिस ऑर्डर, नोट दैट वी डू नॉट यूज बैकग्राउंड अटैचमेंट प्रॉपर्टी इन दिस एग्जाम्पल एज इट डज नॉट हैव अ वैल्यू। तो अभी देखो, अभी इसने क्या करा, तो ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है तुमको इसका, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या है, कलर, कलर दे दिया मैंने। दूसरा क्या है, इमेज, इमेज दे दिया मैंने। तीसरा क्या है, रिपीट, रिपीट बोल रहा मैं, नो रिपीट होना इसको, नो रिपीट। फिर चौथा क्या है, अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट नहीं देना है मेरे को, अटैचमेंट मैं क्या करता हूँ, फिक्स्ड देता हूँ। अगर मेरे को अटैचमेंट नहीं देना है, जो बाय डिफॉल्ट है वही डिफॉल्ट रखना है, तो तुम इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन तुम ऑर्डर जो है, ऑर्डर तो तुमको मेंटेन करना पड़ेगा, तुमको ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा उसका। मतलब तुम इसमें से एक दो प्रॉपर्टी स्किप कर सकते हो। अब पोजिशन, पोजिशन में राइट और टॉप दे देता हूँ, राइट और टॉप पोजिशन। इसमें तुमने फिक्स्ड नहीं लिखा बीच में तो चलता है। अब नो रिपीट भी नहीं चाहिए तुमको, तो नो रिपीट भी निकाल सकते हो तुम। तो एज लॉन्ग एज द सीक्वेंस तुम सेम रखो, लेकिन इस तरीके से शॉर्ट हैंड ऑपरेटर, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, ये कुछ भी कर लेता है। इसलिए जनरली लोग शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज नहीं करते, इवन इंडस्ट्री में ज्यादा यूज नहीं कर सकते। लेकिन तुमको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है कि तुमको इसका ऑर्डर याद है। पहले तो तुमको ये ऑर्डर याद करना पड़ेगा कि सबसे पहले मेरे को क्या देना पड़ता है, बैकग्राउंड में कलर देना पड़ता है, दूसरा क्या देना पड़ता है, बैकग्राउंड इमेज देना पड़ता है, तीसरा क्या देना पड़ता है, बैकग्राउंड रिपीट देना पड़ता है, चौथा क्या देखना पड़ता है, बैकग्राउंड अटैचमेंट देना पड़ता है, पांचवा क्या है, पोजिशन देना पड़ता। तुम ऐसा नहीं कर, तुम इसको ऑर्डर में रखो, भले ही एक दो नहीं है, लेकिन तुम लोग क्या, तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम बोल रहे हो कि मैं ना, मैं पहले यूआरएल देता हूँ और बाद में उसका कलर स्पेसिफाई करता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते तुम। कलर पूरी तरह से स्किप कर दो, चलेगा, समझ रहे हो। लेकिन ऑर्डर को बिगाड़ो मत, समझा गया मैं क्या बोल रहा हूं। हाँ अभी मैंने तुमको बैकग्राउंड यूआरएल नहीं चाहिए तो ठीक है, मत दो, मत दो बैकग्राउंड यूआरएल तुमको नहीं चाहिए तो ये मत दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऐसा मत करो कि बैकग्राउंड यूआरएल, तुम बैकग्राउंड कलर से पहले तुम बैकग्राउंड यूआरएल दे दे रहे। सबसे पहले अपना क्या है बोला हुआ कि सबसे पहले बैकग्राउंड कलर होना, तो तुमने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर तो तुम दे रहे, लेकिन तुम क्या दे रहे, बैकग्राउंड इमेज के पीछे बैकग्राउंड कलर दे रहे, बराबर, तो ये नहीं चलेगा, समझ रहे हो। तुम भले ही उसको मत दो, मत दो तो चलेगा, लेकिन उसका ऑर्डर हमेशा मेंटेन करना, ऐसा इधर उधर शफल नहीं करना उसका ऑर्डर, समझ रहे हो। ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है, शफल नहीं कर सकते तुम लोग। एक आधी प्रॉपर्टी मिसिंग हो सकती है चलेगा, एक क्या पूरी प्रॉपर्टी मिसिंग हो सकती है चलेगा। तुम खाली बैकग्राउंड बोल के लाइट कलर इज दो चलेगा, लेकिन इसके आगे तुम क्या कर रहे हो, राइट मतलब पोजीशन दे रहे हो, राइट और टॉप बोल रहे हो, और उसके आगे बोल रहे हो तुम यूआरएल दूंगा मैं, ये गलत ऑर्डर हो गया फिर। हाँ पहले कलर आता, बाद में इमेज यूआरएल आता। अभी तुमने क्या करे, पहले कलर दे दिया, बाद में पोजीशन दे दिया उसकी, बराबर, तो ये गलत गलत ऑर्डर हो गया। तो ये ऐसा ऑर्डर नहीं चलेगा, ऐसा ऑर्डर नहीं चलेगा।
एक दो प्रॉपर्टी स्किप हो सकती, नहीं भी रही तो चलेगा, लेकिन तुम लोगों को ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा अगर तुमको ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर यूज करना है। तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर बोले तो कौन सा है, सिर्फ बैकग्राउंड लिख रहे तुम, बैकग्राउंड डैश कलर नहीं लिख रहे, बैकग्राउंड डैश इमेज नहीं लिख रहे, बैकग्राउंड डैश कुछ और नहीं लिख रहे तुम, बराबर समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो ये हो गया तुम्हारा बैकग्राउंड पूरा। किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी को कोई क्वेश्चन यहां तक? सब लोग ये शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी ट्राई करो, घर पे वापस से प्रैक्टिस करो, किसी को कुछ लगा तो बोलो, कुछ डिफिकल्टी आई तो मैसेज करो। और अजहर का, अजहर अली है क्या, देखो कोई प्रॉब्लम आ रहा था, सॉल्व हुआ वो गिटहब का? सॉल्व हुआ क्या? तो सेंड किया ना सर आपको, हाँ जो फोटो सेंड किया ना मैं आपको, बस वही प्रॉब्लम। तो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? नहीं सर, पोस्ट करने के बाद ये वो जा ही नहीं रहा गिटहब में। गिटहब एक मिनट देखना पड़ेगा फिर, ठीक है अपन वो गूगल मीट पे आओ अभी तुम, और तुम्हारा स्क्रीन शेयर करो, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है वो। ठीक है, बाकी सब लोग जो भी अभी तक बैकग्राउंड का डिटेल्स वगैरह अपन ने किया है उसको नोट डाउन करो, प्रैक्टिस करो, गिटहब पे कमिट करो, और तुम्हारे चेंजेस आज का जो भी तुमने सीखा हुआ है वो गिटहब पे डालो। ठीक है, कल मिलते हैं फिर।